जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उद्देश्य से भरा जीवन होना चाहिए तो जैसा कि हम पहले अध्याय पे चल रहे हैं और भगवत गीता की चर्चा आगे बढ़ रही है अर्जुन बहुत दुखी चल रहे थे परेशान चल रहे थे और अपना धनुष छोड़ चुके थे अर्जुन की परेशानी बढ़ रही थी अपनी परेशानी को उन्होंने तो तो एक्सप्रेस किया अब इसी परेशानी में पहला अध्याय समाप्त तो होने जा रहा है हमने कुछ एपिसोड कंप्लीट किए पहले अध्याय के पहले अध्याय की समाप्ति पे हम आखिरी के दो श्लोक लेंगे पहले अध्याय का चौवालीसवा श्लोक आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भगवद गीता इन एक्शन सीरीज है इसका हर वीडियो सबको देखना चाहिए वुड यू अग्री विद मी यस नो भगवद yes! गीता का पहले अध्याय का चौवालीसवा श्लोक मेरे साथ मेरे पीछे बोलिए अहो बत महत्पापम कर तुम व्यवस्थितावयम यद राज सुख लोभेना स्वजनम उद्यता धन्यवाद सुनते हैं समझते हैं श्लोक का पहले मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जगन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं ये अभी मैं संदीप महेश्वरी जी के साथ मेरा एक इवेंट था और उस पर किसी ने प्रश्न पूछा था तो मैंने इसी श्लोक को रेफर किया था राज सुख लोभे ना क्या कह रहे हैं अहोब महत्पापम हाथ आगे लाइए महत पापम, महत पापम। अरे ये तो महान पाप होने जा रहा है क्या महान पाप होने जा रहा है कि यद लोभे न मैं सुख के चक्कर में क्या करने वाला हूं स्वजनम अपने ही लोगों की हत्या करने जा रहा हूं

वो क्यों उनको लगता है कि मेरे को डिस्प्ले करना है रॉयल है जबकि वो बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है आहार निद्रा भय मैथुनम चाहान्य मेहत पशु भी नरानम आहार निद्रा भय मैथुन ये बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है सामान्य मेहत पशु भी नरानम पशु भी यह काम कर लेता है अर्जुन भी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात करे लॉजिकल बात है कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने कि यद राज सुख लोभ ना कि मैं सुख के चक्कर में अपने लोगों की हत्या करते एकदम गलत बात है कृष्ण मैं तो नहीं करूंगा ऐसा तो बहुत अच्छी बात बोली यहां पर उन्होंने कि लोभ है ना उसके बाद अगला श्लोक फिर बोल देते हैं उसको भी समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं यदि माम कि मैं अप्रतिकार प्रतिकार मतलब रिएक्ट अप्रतिकार मतलब मैं रिएक्ट भी नहीं करूंगा अशस्त्र मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा मैं शस्त्र भी नहीं उठाना चाहता हूं मैं अप्रतिकार मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूंगा मेरी सामने वाले लोग आकर के बेटर अगर राष्ट्र के पुत्र आके मेरी हत्या कर दे मैं तो कुछ उठाऊंगा भी नहीं धनुष भी नहीं उठाऊंगा अर्जुन को लगता है कि मैं शाही सुख के आनंद में सब कर रहा हूं और बड़ा पाप कर रहा हूँ मोटिवेशन so क्या है आपको क्या ड्राइव करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अब जो उत्तर देंगे भगवान पर्पज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यहाँ पे क्या करना चाहते हैं महान लक्ष्य कारण बहुत बड़ी चीज है अर्जुन को लग रहा था मैं स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित होकर हूँ बिजनेस में अगर आप एंटर कर रहे हैं बहुत पैसा कमाने के लिए तो वो तरीका ठीक नहीं है माइंडसेट ही गलत है वो बिजनेस में एंटर करना चाहिए महद पापम नहीं महद वैल्यू क्रिएशन आप सामने वाले के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं वो माइंडसेट होना चाहिए आपका क्योंकि झगड़ा किस चीज का प्रॉपर्टी का झगड़ा है और सारे आज पुलिस बता रही है भारत की कि अगर परिवारों में हत्या होती है तो दो सबसे बड़े कारण है उसके एक प्रॉपर्टी का झगड़ा दूसरा सेक्स का झगड़ा महिला या प्रॉपर्टी आपस में यही झगड़े मोर्डरस के सबसे बड़े कारण बनते हैं परिवार के अंदर और अर्जुन को भी लग रहा था हमारा तो ऐसा महसूस कर रहे हैं क्षत्रियों है का सिद्धांत है वो कह रहे हैं अप्रतिकार मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं करूंगा मुझको ऐसे ही मार दो क्षत्रियों का सिद्धांत है कि अगर सामने वाला है तो उस पर हाथ नहीं उठाया जाएगा पर वो ये जानता है क्योंकि ये दुर्योधन दुशासन ये सब लोग वेट नहीं करेंगे कर्ण मैं अगर नीचे हथियार छोड़ दूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा वो जानता है बात क्योंकि सामने वाले इतने गलत है उसको मालूम है पर इमोशनल हो गया है कोई भी एक्टिविटी सही है या गलत है किस बात पर निर्धारित होती है कैसे पता चलेगा कोई भी कार्य सही है है कि गलत कैसे पता लगेगा उसका इंटेंशन बिल्कुल ठीक बोला आपने आज जजेस भी क्या देखते हैं कोर्ट के अंदर कि ये एक्सीडेंटल डिफॉल्ट है कि विलफुल डिफॉल्ट है मां छोटे बच्चे को थप्पड़ मारे जोर जोर से सही है कि गलत है सही ये इस पर डिपेंड करेगा ये क्यों किया गया ऐसे क्यों सही है नहीं मारना चाहिए बच्चे को अच्छा कहीं बोले सही है बेसिकली इसलिए बोल रहे खूब सुते हैं बचपन में ये। अगर बच्चा चोरी करता पकड़ा गया तब उसको मार पड़े तो वो सही है एक पिछहत्तर साल के बूढ़े आदमी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारना सही है कि गलत है, गलत है। ना परपस पे निर्भर करेगा अगर वही पिछहत्तर साल का बूढ़ा आदमी टेररिस्ट है तो उसको थप्पड़ क्या जान से मारना भी सही है क्या मेरी बात समझ आ रही है किसी की हत्या करना सही है कि गलत है परपस पर निर्भर करता है कि वो सही है कि गलत है आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि महिला अगर आत्मरक्षा में उसके साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है रेप किया जा रहा है और आत्मरक्षा में अगर वो हत्या भी कर बैठती है तो वो सही है कोई भी कार्य सही होगा कि गलत होगा ये किस पर निर्भर करेगा वही बात अर्जुन के साथ हो रही है यद राज भेना, राज सुख सुख ना कि के चक्कर में करना तो गलत है अच्छा कृष्ण बीच में टोक सकते थे बोल सकते थे अर्जुन चुप अभी मेरी सुन कृष्ण नहीं बोल रहे महान लीडर हैं कृष्ण अपनी लीडरशिप क्वालिटी से सिखा रहे हैं कि सुनते बहुत अच्छे ध्यान से कृष्ण पूरा अध्याय अर्जुन को बोलने को अलाउ किया बोलते रहो आप मैं सुन रहा हूं अच्छे से समझ रहा हूं जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जितनी अच्छी वर्ल्ड क्लास इजेशन लीडर्स पावरफुल लीडर जितने दुनिया में है। उन सब की अच्छी बात यह है कि वो अपनी टीम्स के अंदर कारण महान लक्ष्य एस्टैब्लिश कर देते हैं उनके खून में डाल देते हैं इंजेक्ट कर देते हैं जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उनका वाई जब क्लियर हो जाएगा ये क्यों कर रहे हैं वो व्हाट और हाउ यानी कि क्या करना है और कैसे करना है वो डिफाइन करना मुश्किल नहीं है ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम ये क्यों कर रहे हैं हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं जिस दिन हमारे ईशान गोयल बैठ करके अपनी पूरी टीम के खून में डाल देंगे वीडियो क्यों बना रहे हैं तो वीडियोज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वर्ल्ड क्लास लेवल पे बढ़ जाएगी क्या मेरी बात समझ आ रही है हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं मेरा पर्पज क्या है मैं भगवत गीता के प्रोग्राम्स फ्री में इतने सारे क्यों कर रहा हूँ लोगों को क्यों इन्वाइट करता हूं इस पर पैसा भी क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भगवदगीता के अंदर ऐसी क्वालिटी ऐसे वैल्यूज को समझाया गया है कि भारत वर्ष के अंदर एक नया नैरेटिव सेट करना चाहता हूं कि हर घर के अंदर भगवत गीता बड़े प्रेम और रिस्पेक्ट के साथ पढ़ी जाए और जीवन में उतारी जाए उसको बोलेंगे हम गीता इन एक्शन क्या बोलेंगे मैं ये नैरेटिव सेट कर दूंगा अगले कुछ दिनों के अंदर कि क्यों गीता को पढ़ना जरूरी है मेरी इच्छा है हमारी सरकार से अनुरोध है प्रार्थना है हर स्कूल के अंदर हर क्लास के अंदर बच्चे के लिए गीता पढ़नी कंपलसरी कर देनी चाहिए क्योंकि गीता से जो उसका विकास होगा वो विकास उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के नहीं हो सकता है, क्या मेरी बात समझ आ रही है इसलिए भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है मैं हर बार कहता हूं क्यों पूरे पाकिस्तान में इतने लाखों लोग हमारे गीता के वीडियो देखते हैं पढ़ते हैं एक श्लोक नहीं बोला कृष्ण ने हिंदू मुस्लिम से किसाई पे पे धर्म इनफैक्ट कृष्ण तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण तो उल्टा बोल रहे हैं इसके अरे भाई ये जो विदेशी ताकतों से अपनी वैल्यूज को बचा करके इस देश को हमारे को सर्वोपरि लेके जाना है इसको वापस सोने की चिड़िया बनाना है जब गीता पढ़ी जाती थी ये सोने की चिड़िया है आज गीता कपड़े में लपेट के रख दी गई है चिड़िया उड़ के चली गई है मुद्दा यह कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कम्युनिटी जो लीडरशिप है सब सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं जिस समय जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उद्देश्य से भरा जीवन होना चाहिए यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि उद्देश्य क्या पैदा हो कैसे पैदा हो मुद्दा यह है कि आज जब भी अपने डीएनए को अपने खून को रिविजिट करो अंदर जाओ एक एक आदमी जो यहां बैठा है और जो वीडियो पे देख रहा है झांको अपने अंदर के मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं जिस दिन वो महान लक्ष्य बन गया ना ऐसा उड़ेगा आदमी ऐसा उड़ने लग जाएगा जिस दिन महान लक्ष्य पैदा हो गया आज समस्या क्या है आज देखिए जब भी आप किसी जूनियर को बताते हो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो आप उसको मेंटली पैरालाइज कर रहे हो ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, करो आप पैरालाइज कर रहे हो क्योंकि आप उसको सोचने नहीं दे जब तो उसने बताया ये करना क्यों है हम क्या अचीव करने वाले क्यों कर रहे हैं क्या कारण है इसके पीछे बड़ा लक्ष्य क्या है वो समझ आ जाए वो अपने आप ढूंढ लेगा क्या करना है क्या मेरी बात समझ आ रही है yes, पर चक्कर क्या है आज आप उसको सोचने नहीं देना चाहते आप उसके बिहाफ पे सोच रहे हो अपने जूनियर्स के बिहाफ पे जैसा बोल रहा हूं वैसा कर तो जैसा बोला है वैसा कर जरा बात मत कर क्या करना चाह रहा है वो वो सामने वाले के सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा है क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं एक निकल पड़ते हैं युद्ध करने के लिए लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया था हिटलर ने हुँ? क्योंकि उसने अपने देशवासियों के दिमाग में खून में जुनून ऐसा भर दिया एस्टैब्लिश कर दिया कि जो ज्यूज है तुम आर्यन हो आज अगर आप लोग कंपनी चला रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं किसी से पूछ लेना अपनी टीम के अंदर सौ में से सौ लोग आपके बता देंगे करना क्या है क्योंकि उनको आप बता चुके हो बहुत बार करना क्या है लेकिन सौ में से चालीस लोग भी नहीं बता पाएंगे कि करना क्यों है इसके पीछे बड़ा कारण क्या है वो क्यों नहीं बता पाते क्योंकि हम यही मिस कर जाते हैं पर्पस सब कुछ है जितने ब्रांड आज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के साथ काम कर रहे हैं ना वो पर्पल ड्रिवन कंपनी का हमेशा मार्केट शेयर उसका मार्जिन उसका बिजनेस हमेशा बड़ा होता है वो कम्युनिटीज बड़ी होती हैं वो मजबूत होती हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है पर्पस ये बताता है क्या मेरी बात समझ आ रही है अहोब महत पापम यदराज सुख लोभे ना लोग ज्यादातर निन्यानवे परसेंट लोग राजोना लो के लिए काम कर रहे हैं क्या मेरी बात समझ आ रही है <laughs> अर्जुन इतना तो इंटेलिजेंट था उसको पता था कि उतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए इतनी मेहनत करूंगा मैं वो तो पांच गांव मांगने वाले लोग थे खाली आ? उनको तो आप नेल्सन मंडेला को देखो ना भैया नेल्सन मंडेला को सत्ताईस साल तक जेल में रखा और क्या हाल किया उनका जेल में जितने अश्वेत लोग थे साउथ अफ्रीका में श्रीलंकन का कोई रिलेशन नहीं है नेल्सन मंडेला के साथ में ना नेल्सन मंडेला श्रीलंका आते थे ना श्रीलंकन साउथ अफ्रीका जाते थे पर श्रीलंकन भी उनको अपना भगवान मानते हैं मैं श्रीलंका में, में मेरा ऑफिस रहा बहुत टाइम मैं बहुत ट्रैवल किया कम से कम बीस बार श्रीलंका गया हूँगा मैं और मैंने वहां जब लोगों से मिलता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ आपका के देश का सबसे बड़ा आइडियल कौन बोला नेल्सन मंडेला सत्ताईस साल जेल में रखा जब कड़क सर्दियां होती थी ना सबको स्वेटर पहनना अलाउड था कैदियों को लेकिन नेल्सन मंडेला को कच्चे में उसको निक्कर में रखा जाता ना बनियान पहना करके सर्दी के अंदर बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ने के लिए उसको काम पर लगाते थे उनके चौकीदार उनको थप्पड़ मारते थे एक चिट्ठी लिख करके परिवार से रिसीव करना या परिवार को पहुंचाना उनको अलाउड नहीं था कांच के दरवाजे लगा देते थे अगर कोई सामने मिलने आ रहा है फोन पर बात करें ताकि उनकी सारी पुलिस उनकी हर एक बात को सुन सके उनका वो बुरा हाल कर दिया था कि ये जेल के अंदर बैठ के अपने मूवमेंट को ड्राइव ना करें सत्ताइस साल के बाद जब मंडेला बाहर निकले ना इतना महान लक्ष्य था उनका सबसे शक्तिशाली अश्वेत राष्ट्रपति बने पहले साउथ अफ्रीका के वो सत्ताईस साल बोल सकते थे मंडेला मुझे आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है वो बोलते थे जेल में सड़ रहा है वो बुरा हाल किया मंडेला का वहां पे मंडेला की अपनी मां का देहांत हो गया उनके अपने बेटे का देहांत हो गया उनकी चिता जलाने के लिए या क्रिमेशन जो उनके धर्म में जिस तरीके से होता है उसे करने के लिए अलाउ नहीं किया गया मंडेला को पर वो जो महान लक्ष्य है, है वो जो है वो खून खोलाता है आपका वो तैयार करता है प्रश्न पूछ रहा हूं एक एक पे यही है आपका हुआ नहीं हुआ? अर्जुन, जो थोड़ी देर पहले इसी भगवत गीता में क्या बोल रहे थे धार्त राष्ट्र के दुर्बुद्धि बच्चे कौन है दिखाओ मुझे मेरी रथ को सेना के बीच में ले जाओ देखता हूं कौन है सबको निपटाऊंगा आज वही अर्जुन इन जब रिश्तेदारों को सामने देखा अहो बत पाप पापम कह रहे तो महान पाप हो जाएगा मुझसे राज सुख वो अपने पर्पज को रिविजिट किया तो उनको लगा यार मैं राज सुख के ले कर गलत है यही सारा मुद्दा है मंडेला के पास महान लक्ष्य था आम आदमी के पास महान लक्ष्य नहीं है उसको राज सुख राजसुख नहीं चाहिए उसको आज फरारी चाहिए उसको गाड़ी चाहिए उसको पैसा चाहिए बंगला चाहिए उसको सेल्फी खिंचाना है उसको फिल्टर लगाना है इंस्टाग्राम पर उसका उतना ही लक्ष्य है और तो और लक्ष्य इतने गिर गया कि मेरे को टिकटॉकर बनना अचीवमेंट हो गया देश में हमारे ये जितने अच्छे बड़े ब्रांड है रिच कार्टन एक ऐसा होटल है फाइव स्टार जहां पर उन्होंने पर्पल दिमाग में डाल दिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े नियम तोड़ना पड़े तोड़ दो दुनिया की सबसे बड़ी होटल की पावरफुल चेन है रिच कार्टन और रिच कार्टन में क्या हुआ मैं आपको एक कहानी बताता हूं एक भाई यूएस के रिच कार्टन से निकले और वहां से निकलने के बाद वो भाई अपने फ्लाइट पकड़ के अपने घर जा रहे थे कनेक्टिंग फ्लाइट और जब अपने घर पहुंचे घर उनका लॉक था चाबी से दरवाजा खोलना था दरवाजा खोला उन्होंने खोलते वक्त बाहर देखा थैला लटका हुआ रिच कार्टन का चेकआउट करके अपने घर आए थे थैला लटका रिच कार्टन का थैला खोला उन्होंने देखा अंदर चिट्ठी थी तो वो कस्टमर चिट्ठी पढ़ने लगा चिट्ठी में लिखा है कि मिस्टर डेविड आप अपना चार्जर होटल में भूल गए थे इससे पहले कि आप घर पहुंचते दरवाजा खोलते और आपके मोबाइल की बैटरी जो ड्रेन हो चुकी है उसके लिए आप चार्जर ढूंढते और परेशान होते हम चाहते थे कि आपका चार्जर आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाए तो उन्होंने हजारों रुपया खर्च किया कि वो चार्जर उस आदमी के जो फ्लाइट से अपने घर पहुंचा उससे पहले वहां जाकर के पहुंच जाए चार्जर वहां पहुंचाने के लिए इतना पैसा खर्च किया ये पर्पज एस्टैब्लिश किया कि एम्प्लॉयज को टॉप मैनेजमेंट से जाकर के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कस्टमर के लिए कुछ भी कर दो इसीलिए रिज कार्टन आज दुनिया के सबसे पावरफुल होटल चेंज में से एक है आप अपनी टीम के अंदर क्या डाल रहे हो ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या समझा रहे हो उन्हें वो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं तो क्या महत पापम तो होएगा ही जब राज सुख लोभ जब पैसे के लिए आदमी काम करना शुरू करता है कई लोग बोलते हैं डॉक्टर बिंद्रा बिजनेस बिजनेस सिखा रहे हैं सिखा। याद रखना बिजनेस के लिए वैल्यूज आर फार मोर इंपॉर्टेंट द वैल्यूएबल्स मूल्य वो मूल्य जो आप दूसरों से लेने वाले हो संस्कार वाले मूल्य उन मूल्यों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस दिन वैल्यूज रहेंगे ना वैल्यूएबल जिंदगी भर इतना आएंगे कोई रोकेगा नहीं आज भी रतन टाटा को हर आदमी प्रणाम करके झुक करके ही उनसे बात करता है कोई पॉलिटिशियन कोई प्रधानमंत्री उनसे बात करते वक्त अगर ना झुकाओ यह संभव नहीं है जो इस प्रकार का रिस्पेक्ट उन्होंने ट्रस्ट उन्होंने अर्न किया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज बहुत हाई रहे हैं क्या मेरी बात समझ आ रही है yes. <laughs> मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं मैं ओबरॉय होटल ट्राइडेंट है साउथ मुंबई में मेरी मुंबई में उसी तरफ मीटिंग्स काफी होती हैं फ्रीक्वेंटली जाना होता है फ्रीक्वेंटली तो नहीं है लेकिन अब ट्रैवल मेरा कम है लेकिन दो महीने में एक बार मुंबई जाता हूँ मैं जब जाता हूं मैं हर बार ट्राइडेंट में रुकता हूं होटल की ऑप्शन बहुत सारी है पर आपको कारण बताता हूं क्यों रुकता हूं जानना चाहेंगे yeah! ट्राइडेंट जब मैं जाता हूं एक दफा क्या हुआ मेरे साथ में बाहर थोड़ा भोजन कम लेता हूं मैं और थोड़ा पेट भी उस दिन खराब था तो सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने दो केले और एक कटोरी दही जो पैक्ड वाली दही आती है उसको मैंने होटल से उठाया और मैं अपना निकल पड़ा दो केला लिया दही लिया और निकल पड़ा थोड़ा पेट के लिए उस समय परिस्थिति के लिए अच्छा था अगले दिन जब मैंने चेकआउट किया हमारे ऑफिस में एक राजेश है जो हमारा ट्रैवल का सारा काम देखता है जब मैं चेकआउट किया तो मैं देखा उन्होंने मेरे को वहां रोक लिया बोला कि सर आपके रूम में रूम का पेमेंट हो गया लेकिन ये विदाउट ब्रेकफास्ट था आपने ब्रेकफास्ट लिया है मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दिखा देता हूं मेरे मोबाइल में है ये तो विद ब्रेकफास्ट है मेरा तो बोले अच्छा सर एक मिनट रुकी तो रिसेप्शनिस्ट वो जो था बंदा जेंटलमैन जो था वो वहां पे वो अंदर चला गया पीछे ही उसका कमरा था अंदर गया और तीस सेकंड में वापस आ गया पच्चीस ही सेकंड में आ गया हुआ तीस में नहीं लगा हुआ आता ही बोला सॉरी सर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था तो हमने गलत बिल बना दिया उसने बिल सेटल कर दिया मेरे से ब्रेकफास्ट का चार्ज नहीं किया और मैं अपना निकल गया चेकआउट हो चुका था मैंने ऑफिस में फोन किया मैंने कहा कि भाई हमारे ट्रैवल एजेंट को बोलो कि ट्रैवल एजेंट क्या सॉरी मतलब वो ट्रैवल डेस्क है ऑफिस में इंटरनल एम्प्लॉय को बोला कि भाई अपने आप बिल सेटल करा करिए आप लोग मेरा समय बच जाएगा इससे उन्होंने कहा यस सर सॉरी सर इस बार गड़बड़ भी हो गया मैंने कहा क्या गड़बड़ हुआ बोला वो आपका हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं कराया था तो मैं थोड़ा रुका मुझे समझ में नहीं आया मैंने दोबारा पूछा कि क्या कह रहे हैं दोबारा बोला सर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था ना तो उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और देख के मैं हैरान हो गया कि मेरा स्टे विदाउट ब्रेकफास्ट था और वो होटल का एम्प्लॉई जानता था कि मेरा स्टे विदाउट ब्रेकफास्ट है पर क्योंकि मैंने ये बात बोली थी तो उसने मेरी बात का सम्मान रखने के लिए अपनी सच बात को झूठ बना दिया और अपने को नीचे रख रख दिया और उसके कारण मैं बड़ा ग्लानी फील किया गिल्ट फील किया कि गलती मेरी थी और माफी वो मांग रहा था और मुझसे पैसा भी नहीं लिया वो दिन है आज का दिन है मैं आज तक उसी होटल में हर बार जाके रुकता हूं और उस होटल की कैमरा पे पब्लिक में तारीफ भी कर रहा हूँ ब्रॉड ट्राइडन की इसी कारण से क्यों क्योंकि पर्पज एस्टैब्लिश किया वो ऐसे पर्पज एस्टैब्लिश कर रहा है इसको बोलते हैं कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी क्रिएट करना एक महान कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी क्रिएट करना एक ऑर्गेनाइजेशनल एक कम्युनिटी का बिलीफ तैयार करना वो जब बिलीफ तैयार हो जाता है ना चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा सवा लख ना लिख लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम कहावा वो क्या बिलीफ है एक कि चालीस सिखों ने

तो ये इतने सारे आईआईटी टॉप क्लास ग्रेजुएट ब्रह्मचारी बन रहे संत बन रहे क्यों बन रहे उनके पास वो बिलीफ है वो राइट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए वो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चलती है. आप क्या वैल्यू आप क्या तनखा दे करके भी इतने आई आई को हायर नहीं कर पाओगे जितने बिना तनखा दिए इस आध्यात्मिक संस्था में लोग सेवा कर रहे हैं क्या मेरी बात समझ आ रही है एमेजॉन <laughs> क्या कहता है कस्टमर ऑब्सेशन ऑब्जेक्शन मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ मिया। गाना सुना आपने मैंने बचपन में, में सुना था। मुझे प्यार हुआ प्यार हुआ वो अमेजोन कहता है कस्टमर से प्यार कर लो ही इज योर फर्स्ट लव एंड ही इज योर लास्ट लव तभी आप इसे कंपनी में रह सकते हो तो नहीं तो नहीं प्रमोटर को होता है कस्टमर से प्यार एम्प्लॉय को नहीं होता है ऑन्ट्रपोनियोर को होता है एम्प्लॉय को नहीं होता है एम्प्लॉय को प्यार होता है शाम का टाइम हो गया छुट्टी तनखा की तारीख बता दो क्या है मैं भी देखता हूं कल मुझे हमारे एक वीडियो शूट कर रहा था तो हमारे कैमरामैन मुझे बता रहे थे कि सर जब भी कोई नया आदमी आता है ना कंपनी में आता ही सबसे पहले पूछता तनख्वाह किस तारीख को मिलती है <laughs> तो बोलता है, हम बड़े गर्व से बोलते हैं ये बड़ा बिजनेस कंपनी है डॉक्टर बिंद्रा की यहाँ पे तनख्वाह महीना खत्म होने से एक दिन पहले मिल जाती है तो क्या है? आम आदमी की मानसिकता इतनी है और भगवत गीता आम आदमी से आपको खास आदमी बना सकती है इसीलिए पूरे देश के अंदर नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि गीता को एक्सेप्ट करना है क्या मेरी बात समझ आ रही है yeah. तो एमेजोन जो है वो कहता है कि आपको इन्वेंट हम करेंगे लेकिन सिंप्लीफाई भी हम करेंगे नई चीज लेके आएंगे पर सिंप्लीफाई करेंगे थिंक बिग एंड ऑन ट्रस्ट बड़ा सोचो और दुनिया का विश्वास जीतो तो जो पर्पल ड्राइव कर रहा है ना पर्पल इज सेंट्रल टू सक्सेस हर सफलता के लिए आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैं जो जिंदगी में अचीव करना चाहता था कर चुका हूं अगर आपने नहीं किया तो याद रखिए इसको बोलते हैं ये पर्पज ना होने से आपको चवन्नी लाल बना देता है क्या बना देता है खाता हाँ लाइए वो क्या होता है चवन्नी लाल ये वो आदमी है जिसको रस्ते में चवन्नी गिरी दिख गई तो वो सामने महान लक्ष्य के लिए जा रहा था पर चवन्नी के लिए रुक जाएगा क्या मुझे बात समझ आ रही है yeah. चवन्नी लाल ये वो आदमी है जिसको रस्ते में छोटी छोटी चवन्नी डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और अर्जुन यही बोल रहे हैं कि मेरे को चवन्नी के लिए लड़ने का नहीं है अर्जुन को राज सुख लो ना चवन्नी लग रहा था इसी से पता चला कि क्या इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ होगा अर्जुन का इमेजिन करो कितना बुद्धिमान होगा अर्जुन कितना इवॉल्व होगा अर्जुन जो राज सुख लो बहनो को चवन्नी मानता है इसको तो छोड़ मार दो मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं यहां भी अर्जुन भी कह मार दो कोई दिक्कत चवननी नहीं चाहिए महान लक्ष्य चाहिए time, on, क्या चाहिए महान लक्ष्य चाहिए आप क्या महान लक्ष्य मेरा आप सबसे प्रश्न है जिसको लगता है जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया जाके चेक करो अंदर क्या अभी तक कोई महान लक्ष्य था क्या कोई जुनून था मेरे पास में वो जुनून जो मुझे आगे लेके जा सके हा? ये सब क्लियर परपज से ही निकल के आएगा और आज का टॉपिक यही था कि जिंदगी में हमारे को राज सुख लोभेना इज महत पापम राज सुख लोभेना इस वास्तव में महत पापम पैसे के लिए बिजनेस करना ये महान पाप है जब तक सेवा की भावना नहीं आएगी तब तक जब आप जो बिजनेस करेंगे वो बिजनेस आपको बिजनेस में भी रखेगा और ना आपके पास वैल्यू जाएंगी ना वैल्यूएबल जाएंगे और इसीलिए भगवद गीता का हर अध्याय हर वीडियो आपको आके देखना है और पूरा देखना है ये सीरीज है गीता जिसको जीवन में उतारा जा सके इसीलिए बोलते हैं गीता इन ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की